आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल मैथमेटिकल टर्म्स देखते हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो हम मैथमेटिक्स में जनरली कैलकुलेशंस करते हैं और वो कैलकुलेशंस हम नंबर्स के करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, अब ये कॉन्स्टेंट नंबर एंड वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं ये समझते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट नंबर वे नंबर जो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उनकी जो एक फिक्स वैल्यू है हमें हमेशा वही वैल्यू लेनी पड़ती है। वो सारे नंबर्स को या वो सारी क्वांटिटीज़ को हम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं पाई, ई, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स हम यूज़ करते हैं। तो पाई की एक वैल्यू फिक्स है कि इसकी वैल्यू हम हमेशा 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे, इसके अलावा हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते। सिमिलरली यहाँ पर जो हमने ई लिया है इसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है 2.713, हमें यही वैल्यू लेनी है। हम इसे 3.71 नहीं ले सकते, 1 को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे नंबर्स जिनके वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट नंबर। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो हम बोल सकते हैं अ नंबर आर अ पॉइंट होज वैल्यू मे नॉट चेंज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट नंबर। ओके, सेकेंड नंबर है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, जो कॉन्स्टेंट का जस्ट अपोजिट। जैसे कॉन्स्टेंट नंबर में हमने क्या देखा कि इनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल नंबर वे नंबर जिनकी वैल्यूज़ कंडीशन के बेसिस पर हम चेंज कर सकते हैं, वो वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स को हम वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं अ नंबर और अ पॉइंट होज वैल्यू मे चेंज और कॉल्ड वेरिएबल नंबर्स। जिन नंबर्स की वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पे, वो सारे नंबर्स को हम वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, अगर किसी भी जगह पर कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं वहाँ पर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो वहाँ पर हम उनकी वैल्यूज़ कंडीशन के बेसिस पर 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर्स या जो क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उन नंबर्स को या उन क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इन वेरिएबल में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनकी वैल्यूज़ हम कोई भी पुट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती हैं कि हमें एक नंबर का सेट गिवन होता है और उन सेट से हमें इनके नंबर्स लेने होते हैं। उस कंडीशन पर जो वो नंबर्स का सेट हमें मिलता है उस सेट को हम कहते हैं डोमेन। डोमेन वर्ड हमने सेट के चैप्टर में भी स्टडी किया हुआ है, वहाँ पर भी हमने यही स्टडी किया था कि एक नंबर्स का सेट होता था जिसे हम डोमेन कहते थे। तो डोमेन सिंपली ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम इन वेरिएबल्स की प्लेस पे ले सकते हैं। तो डोमेन को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ और कॉल्ड डोमेन। ओके, अब ये तीनों वैल्यूज़ तीनों क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉन्स्टेंट नंबर क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं और वेरिएबल के लिए डोमेन हम किसे कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज़ अ क्वांटिटी होज वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेरिएबल एंड फंक्शन विल चेंज ओनली इफ बेस वेरिएबल चेंज। फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक वेरिएबल पर डिपेंड करती है, और वेरिएबल क्या होता है वो अभी हमने स्टडी किया, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से फंक्शन की वैल्यू उसके वेरिएबल के वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे जैसे हम बेस वेरिएबल को चेंज करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लिखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो वेरिएबल x पर डिपेंड कर रही है।
जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। इस तरह से जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू लेते जाएंगे, यहाँ पर x बेस वेरिएबल है, तो जैसे जैसे इस x की वैल्यू लेंगे हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि y एक फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है? x का। तो यहाँ पर y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, पर कंडीशन क्या है कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पर। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसे भी हम टू टाइप से स्टडी कर सकते हैं। हमने केवल वेरिएबल क्वांटिटी स्टडी की कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है। अब वेरिएबल क्वांटिटी x, y, z मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर x भी है और y भी है, तो ये दोनों तो वेरिएबल हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन और है, जो देखिए x की वैल्यू हम जब ले रहे हैं तब y की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, y इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। और जबकि x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x इज इंडिपेंडेंट, इसलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। एंड y डिपेंड कर रहा है x पर, तो इसलिए हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, ये हम उस कंडीशन के बेसिस पर चेक करेंगे। जो इक्वेशन हमें गिवन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि किस वेरिएबल को पुट करने से हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया इस फंक्शन की बात। अब फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं और हम इसे फंक्शन बोल रहे हैं, तो जब इसे हम राइट करते हैं फंक्शन के फॉर्म पे, तब हम इसे लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और ये ही y है। y को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर हम इसे f इंटू x नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इसे रीड करेंगे फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसे f इंटू x नहीं बोलिएगा। दिस इज फंक्शन ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये याद रखिएगा कि हम इसे किस तरह से रीड करेंगे, और ये जिस वेरिएबल पर डिपेंड करेगा हम उसका साइन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, और उसी तरह से इसे रीड करेंगे फंक्शन ऑफ x। फंक्शन को हम दूसरी लैंग्वेज में भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन विच डिपेंड्स ऑन बेस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ से इस एग्जांपल से देखिए, फंक्शन एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन है जो मेनली यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x को बोल रहे हैं, क्योंकि x कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, तो ये हमने जनरल टर्म्स स्टडी किए जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो हमने जब वेरिएबल डिफाइन किया तो उस समय हमने डोमेन स्टडी किया कि उस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे, किसी भी नंबर्स के ग्रुप से जो भी वैल्यूज़ लेंगे उसे हम उसका डोमेन कहेंगे। उस सेट को, नंबर्स के सेट को हम डोमेन कहेंगे। अगर हम फंक्शन के बेसिस पर डोमेन को दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करें, तब हम डिफाइन कर सकते हैं डोमेन इज अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन हैज़ रियल वैल्यू। डोमेन सेट है, या फिर हम ग्रुप बोलें, उन सभी पॉसिबल वैल्यूज़ का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कि हम पुट कर सकते हैं, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-2। यहाँ पर ये एक x का फंक्शन है 1/x-2। यहाँ पर हम x की वैल्यू, जो एक वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हम ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं। पर यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते?
क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड. तो एक्सेप्ट 2 हम ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं. तो जो सेट हमें मिलेगा ऑल रियल नंबर्स का 2 को छोड़ के, उसे हम बोलेंगे इस फंक्शन का डोमेन. तो इस तरह से हम डोमेन डिसाइड करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए. तो जनरल मैथमेटिकल टर्म्स जैसे कि फंक्शन किसे कहेंगे, वेरिएबल किसे कहेंगे, कांस्टेंट किसे कहेंगे, और किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली. अब हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें से हम आज लिमिट के बारे में स्टडी करेंगे. तो अब हम लोग देखते हैं लिमिट किसे कहते हैं. तो जो हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टडी करने वाले हैं वो मेनली कैलकुलस का ही एक पोर्शन है. तो कैलकुलस क्या है उसके लिए हम एक डेफिनेशन लिखते हैं. तो कैलकुलस को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंजेस. अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे डोमेन में से हम वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या हम कहें फंक्शन है वो चेंज होता जाएगा. तो उस ब्रांच कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिनमें हम जिस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो उसका फंक्शन चेंज हो रहा है, उस चेंज को जब हम स्टडी करते हैं तो उस पोर्शन को हम कैलकुलस कहते हैं. तो जो हम अभी स्टडी करेंगे लिमिट्स वो भी एक कैलकुलस है, हम डेरिवेटिव स्टडी करेंगे वो भी एक तरह का कैलकुलस है, फिर ट्वेल्थ क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसीबिलिटी स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे. तो ये सारी चीज़ें कैलकुलस के अंदर आती हैं क्योंकि हम इसमें मेनली चेंज के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं लिमिट क्या होते हैं. तो लिमिट हम कई जगहों पर यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स में भी जब हम लिमिट वर्ड यूज़ करेंगे तो लिमिट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे जब हम एक वेरिएबल क्वांटिटीज़ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास एक बाइंडिंग यूज लगा देंगे कि हम उसकी इस वैल्यू को नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लिमिट यूज़ करेंगे. इसी तरह से इंटीग्रेशन चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे जो हमारे ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस है तो वहाँ पर भी हम लिमिट वर्ड यूज़ करेंगे. तो लिमिट एक ही है, हमें मेन एक बाइंडिंग लगानी है कि हम कौन सी वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे और कौन सी वैल्यू को नहीं चूज़ करेंगे, उसे मैथ्स के लैंग्वेज में उसे लिमिट कहा गया है. तो लिमिट को स्टडी करने से पहले, उसे समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं. हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर x की वैल्यूज हम जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे हमें y की, फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे. तो अगर हम यहाँ पर एक वैल्यू निश्चित कर दे, फिक्स कर दे कि हम उस वैल्यू को लेंगे तो उसके आसपास की वैल्यूज हम ले सकते हैं. तो वहाँ पर के लिए कंडीशन देखते हैं. अगर हम x की वैल्यू 0 के लिए देखें तो नंबर लाइन में हमें 0 लाइन यहाँ पर मिलता है. अब हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट 0 वैल्यू ना लेके, लिमिट में हम एग्जैक्ट 0 वैल्यू ना लेके उस पर अप्रोचिंग वैल्यू लेते हैं. अप्रोचिंग वैल्यू कहने का मतलब है उसके पास की वैल्यूज लेते हैं. अब 0 पर अप्रोच करने के दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इस डायरेक्शन से आएं और 0 पर अप्रोच करें, या हम इस डायरेक्शन से आएं और 0 पर अप्रोच करें. तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो सारी वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव मिलेंगी, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो हमें नेगेटिव मिलेंगी, मतलब 0 से लेस देन मिलेंगी. तो वैल्यूज़ लेते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू लेंगे, पहले हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.5, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेंगी -0.1. तो सबसे पहले हम लेते हैं -0.1, तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 0.01. अगर हम वैल्यू ले -0.01 तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 0.001. ओके, अब अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 मिलेगा,
यहाँ पर 0.5 और इस डायरेक्शन में जैसे जैसे अप्रोच करेंगे वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। तो अगर हम वैल्यू लेंगे 0.1 तो ये अगेन हमें मिल जाएगा 0.01। अगर हम लेंगे पॉजिटिव 0.01 तो ये हमें मिल जाएगा 0.001। तो जैसे जैसे हम जीरो पर अप्रोच करते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जीरो के करीब लेते जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन एक्स की वैल्यू है वो भी हमें ज़ीरो के करीब मिलती जा रही है। ये नथिंग बट ज़ीरो के इक्वल है, ये भी नथिंग बट ज़ीरो के इक्वल है। मतलब हम जब इस डायरेक्शन से जाएं या फिर इस डायरेक्शन से जाएं, जैसे जैसे ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ज़ीरो पर अप्रोचिंग मिल रही है। तो ऐसी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जिसे हम अप्रोच करेंगे तो हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, उस वैल्यू को हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे एक वेरिएबल से इंडिकेट कर लें कि जब हम x टेंस टू a, इसे हम रीड करते हैं x टेंस टू मतलब अप्रोचिंग। तो जैसे जैसे x a पर अप्रोचिंग हो रहा है तो फंक्शन ऑफ x l की तरफ अप्रोच हो रहा है। मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की लिमिट क्या है, l है। तो अगर हम इसे वर्ड्स में लिखें तब हम लिख सकते हैं when x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x टेंस टू l, देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक वैल्यू पर रीचिंग करेंगे, अप्रोचिंग लेंगे, तो फंक्शन ऑफ x भी हमें एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता हुआ मिलेगा। तो फंक्शन की उस वैल्यू को हम बोलेंगे उस फंक्शन की लिमिट। ओके, यहाँ पर जो यहाँ l मिल रहा है उसे हम फंक्शन की लिमिट बोलेंगे, और x की वैल्यू को जहाँ तक हम अप्रोच करेंगे उसे हम x की लिमिट कहेंगे। तो लिमिट यहाँ पर फंक्शन की भी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की भी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की क्या लिमिट है कि इस एग्जांपल में देखें अगर, तो हमें एग्जैक्टली ज़ीरो वैल्यू नहीं लेना है, ज़ीरो पर अप्रोच करते हुए वैल्यूज लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम फंक्शन की लिमिट कहेंगे। और अगर इसे सिम्बोलिकली लिखें तब हम इसे लिखने के लिए लिमिट वर्ड के एल आई एम लेटर्स को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो हमने फंक्शन की लिमिट लगाई हुई है, फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू लिमिट ली है, उसे हम इसके नीचे लिखते हैं। और यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे, और जब हम इस लिमिट को इस फंक्शन में ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे इसके इक्वल में लिखेंगे। तो इस तरह से फंक्शन और उसके लिमिट को इंडिकेट करने के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं और उसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पर जब हमने ज़ीरो लिमिट यूज़ किया इस फंक्शन के लिए और हम ज़ीरो पर अप्रोच करते हुए गए, तो आप देख रहे हैं हमने ज़ीरो पर अप्रोच कितने डायरेक्शन से किया, दो डायरेक्शन से। एक हम इस साइड से ज़ीरो पर अप्रोच करें, दूसरा हम इस डायरेक्शन से आते हुए ज़ीरो पर अप्रोच किए। तो दो डायरेक्शन से हम ज़ीरो पर अप्रोच करें, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन। अब अगर हम इसे डायरेक्शन के बेसिस पर लिखें तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। मतलब हम एक बार लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, लेफ्ट हैंड साइड से, एंड दूसरा हम राइट हैंड साइड से। तो इस बेसिस पर लिमिट को भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। किस तरह से करते हैं देखते हैं। किसी भी फिक्स वैल्यू की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो उसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तब हम उसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा कि x की वैल्यू ज़ीरो पर हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहे थे और राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे थे। जब हमने पॉजिटिव 0.1 लिया, 0.01 लिया, तब हम राइट साइड से अप्रोच करते हुए जा रहे थे, और जब हमने -0.1 -0.001 ये वैल्यूज ली तब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे। तो इस बेसिस पे लिमिट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ दैट लिमिट व्हेन वी अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड राइट हैंड लिमिट इज़ अ लिमिट व्हेन वी अप्रोच द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम राइट साइड। ओके, अब इसे जब हम लिखते हैं तो हम, मैंने अभी आपको लिमिट को सिम्बोलिकली लिखने का मेथड बताया।
अब अगर हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में डिफरेंस बताना चाहें सिम्बोलिकली, तो उसे बताने के लिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट को हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करके इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है x एक्सिस का। तो जब भी हम इस तरह से लिखेंगे, मतलब हम x से ग्रेटर वैल्यूज़ की बात करेंगे उस वर्ड ओके। और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। ओके, नेगेटिव हम ले रहे हैं मतलब जहाँ पर भी ये वैल्यू a होगा, चाहे इसकी कोई भी वैल्यू हो, उससे हम लेस वैल्यू को देखेंगे, उससे स्मॉलर वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट दो तरह के होते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 10, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की लिमिट हमें गिवन है x टेंस टू 5। अब इसके लिए हमें लिमिट फाइंड करना है इस फंक्शन का, जो हमने अभी स्टडी किया था कि इसकी वैल्यू L होती है, जो फंक्शन की लिमिट कहलाती है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है x टेंस टू 5। x टेंस टू 5 मतलब x अप्रोचेस टू 5, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, इट अप्रोचेस टू 5। तो 5 हमें सपोज यहाँ पर मिल रहा है और हमें 5 की तरफ अप्रोच करना है x की वैल्यू को, तो इसके लिए भी दो मेथड है, या हम राइट साइड से अप्रोच करें इस डायरेक्शन से आते हुए, या हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें इस डायरेक्शन से जाते हुए। मींस हम x की वैल्यू 5 से स्मॉलर ले सकते हैं, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यूज लेते हैं। अगर हम सबसे पहले लेफ्ट साइड के लिए देखें, तो लेफ्ट साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम इस डायरेक्शन से मूव करेंगे 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.9, इस तरह से। तो अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 4.9, तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14.9। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 4.99, तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14.99। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ हमने ली। इसी तरह से अगर हम राइट साइड से इसकी वैल्यूज़ देखें, तो जब हम x की वैल्यू लेंगे 5.001, क्योंकि हम एक माइनर डिफरेंस ले रहे हैं 5 से, ओके, तो यहाँ पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 15.001। अगर हम इसकी वैल्यू ले 5.01, तो ये हमें मिल जाएगा 15.01। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे हम लेफ्ट साइड से 5 की तरफ अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 14.9 व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो 14.9 या 14.99 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 15। सिमिलरली 15.001 या हम कहें 15.01, ये भी नियरली इक्वल है 15 के। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में जैसे जैसे हम 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x की वैल्यू को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन है x प्लस 10, उस फंक्शन की वैल्यू 15 की ओर अप्रोच कर रही है। तो जब हम x की वैल्यू को 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 15 की ओर अप्रोच कर रही है, या फिर वो उससे माइनर डिफरेंस में ग्रेटर है या माइनर डिफरेंस में स्मॉलर है, तो उसे हम 15 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 15 वैल्यू हमें मिल रही है, इसे हम बोलेंगे फंक्शन की लिमिट। फंक्शन की लिमिट हमें मिल रही है 15, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x की लिमिट है 5। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो भी हमें लिमिट गिवन होगा, उसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली इस तरह से लेफ्ट साइड की वैल्यू कंसीडर करेंगे, राइट साइड की वैल्यू कंसीडर करेंगे, और उनके बेसिस पर हम यहाँ पर फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करेंगे। और अगर लेफ्ट साइड की लिमिट एंड राइट साइड की लिमिट हमें नियरली इक्वल मिलते हैं, तभी हम बोलेंगे कि ये लिमिट फंक्शन की लिमिट है। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, वो आपको ये समझना होगा कि
अगर मान लीजिए ये वैल्यू हमें 15 के करीब मिल रही है, पर ये वैल्यू हमें 14 के करीब मिल रही है। अगर यहाँ पर ये हमें मिलता 14.01, 14.001, तो हम इसे नियरली इक्वल टू 14 मानते। तो अगर इस तरह का कंडीशन होगा कि दोनों इक्वल ना होंगे, तब हम उस अलग अलग वाले लिमिट को, जो दो डिफरेंट लिमिट मिलेंगे, उसे हम उस फंक्शन के लिमिट नहीं मानेंगे। ठीक है, ना हम 14 को कंसीडर करेंगे, ना ही हम 15 को कंसीडर करेंगे। तो उस बेसिस पर हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये कंडीशन भी समझिएगा कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होंगे, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, इसे हम लिख लेते हैं, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर कॉमन, देन दिस कॉमन लिमिट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कॉमन हो, मतलब इक्वल हो, तब हम इस कॉमन लिमिट को फंक्शन की लिमिट कहेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन इज when left hand limit is not equal to right hand limit, then we say limit of function does not exist. If left hand limit is not equal to right hand limit, then we say that limit of function does not exist. तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि कब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 की कंडीशन हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्स की x is not equal to 2 की कंडीशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा 2 - 2, एंड 2 - 2 इज 0। यहाँ पर हमें कंडीशन जो मिलेगी न्यूमरेटर अपॉन 0 की, ये वैल्यू हमें इन्फिनिटी के इक्वल मिलेगी एंड विच इज़ नॉट डिफाइंड, और हमें लिमिट में या फिर फंक्शन में नॉट डिफाइंड की कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए हम x की वैल्यू को 2 के इक्वल नहीं लेंगे। एग्जैक्टली 2 के इक्वल हमें नहीं लेना है। अब इसे हमें एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं लेना है, इसकी कंडीशन है, मतलब हम इसे नियरली इक्वल टू 2 ले सकते हैं। मतलब फिर से हम वही कंडीशन लेंगे, अगर यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है तो हम 2 पर अप्रोच करते हुए वैल्यूज लेंगे और एग्जैक्टली 2 वैल्यूज नहीं लेंगे। तो या फिर हम राइट साइड से यहाँ पर अप्रोच करेंगे, या फिर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, और उसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कहेंगे। तो एक तो हम फाइंड करेंगे लिमिट 2x टेंस टू 2 नेगेटिव, एंड दूसरा हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव मीन्स हम लेफ्ट साइड से 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1.9, 1.99, इस तरह से हम इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। तो पुट करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें इक्वल मिलेंगे कि नहीं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर जब हम 1.99 लेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा 3.99, हम लेंगे 1.9 तो ये हमें मिल जाएगा 3.9, 2.01 अगर हम लेंगे तो फंक्शन हमें मिल जाएगा 4.01। आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर हम 2.001 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4.001। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ये दो वैल्यू हमने लिया है लेफ्ट साइड से, दो वैल्यूज हमने ली है राइट साइड से, टू पर अप्रोचिंग वैल्यूज यहाँ पर से, तो जब उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की ये वैल्यूज मिल रही हैं, और ये जो वैल्यूज मिल रही हैं इसे हम देख के बोल सकते हैं कि ये 4 पर अप्रोचिंग वैल्यू है,
मतलब जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की लिमिट यहाँ से ले रहे हैं, तो हमें जो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों 4 पर अप्रोचिंग मिल रहा है, तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर से फंक्शन की लिमिट हमें मिल रही है 4। अगर हमने x की लिमिट लगा दी कि हमें 2 पर अप्रोच करते हुए लेना है, तब हमें उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की लिमिट मिल रही है 4। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड fx की वैल्यू है -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर x है और ये फंक्शन दैट इज y, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल रही है 2। अगर x की वैल्यू 0 से लेस देन है या फिर 0 के इक्वल है, 0 से लेस देन मतलब हम इस नेगेटिव डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो इस डायरेक्शन से अगर हम 2 तक आएँ तो इन सभी कंडीशन पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर 0 वाले लाइन पे हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन यूज़ किया, क्योंकि इस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू 2 है। अब उसके बाद 0 से ग्रेटर देन नंबर के लिए मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन पर फंक्शन की वैल्यू है -1, मतलब ये -1 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस साइड की वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू है -1, पर यहाँ पर 0 इज इक्वल टू का कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल का साइन यूज़ करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि इस 0 पॉइंट पर ये -1 वैल्यू नहीं है, इस पॉइंट से राइट साइड की वैल्यूज के लिए ये वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ हैं और ये राइट साइड की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर लेफ्ट साइड की वैल्यू है 2 एंड राइट साइड की वैल्यू है -1। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस बेसिस पर हम इस एग्जांपल में क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन है व्हेन लिमिट एग्जिस्ट एंड व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अभी तक हमने स्टडी कर लिया कि लिमिट मेनली क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से लिमिट हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद दो लिमिट्स का सम, उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन वो हम देखते हैं, और उसके साथ ही लिमिट फाइंड करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे, कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, हम ये भी स्टडी करते हैं। जिस तरह से हमने सेट्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वांटिटीज़ मिलती हैं, तब उनका हम एडिशन में कौन से रूल फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से होगा, उसी तरह से हम लिमिट्स में भी देखते हैं। अगर दो फंक्शन का एडिशन है और उनके एडिशन का हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो उसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम दो फंक्शन कंसीडर करते हैं f(x) एंड सेकेंड फंक्शन हम लेते हैं g(x). तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हमें मिलती है, अगर इन दोनों फंक्शंस का हम सम कर रहे हैं f(x) प्लस g(x) और इनके सम का लिमिट फाइंड करें, जिसमें एक हम लिमिट अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं x टेंस टू a। तो हमने दो फंक्शन का सम किया और उनमें एक लिमिट अप्लाई किया, तो ये हमें इक्वल मिलता है अगर हम इन दोनों फंक्शन में अलग अलग ये लिमिट अप्लाई करें और उसके बाद हम उसका सम करें। तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं सम ऑफ लिमिट ऑफ, तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये एक कंडीशन है, ये हमें याद रखनी है। यही कंडीशन सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, सभी में फॉलो होती है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन करने के बाद उसमें लिमिट अप्लाई करें, तो ये हमें इक्वल मिलेगा अगर हम पहले लिमिट अप्लाई करें देन उसका सब्सट्रैक्शन करें। मीन्स
लिमिट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। ना थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हमें मिलती है लिमिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है डिवीज़न में। तो डिवीज़न के लिए हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये वैल्यूज हम मिलती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है। ये हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी हम और लिखते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस देखे थे, अगर इन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन कांस्टेंट हो, अगर हम एज्यूम कर ले कि जी एक्स की वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो उस कंडीशन पर अगर ये इक्वल है, अगर ये लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, तो इस कंडीशन पर ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म हमें लिमिट के बाहर मिल जाएगा, इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। या हम ऐसा लें और यहाँ पर फंक्शन में लिमिट पुट कर दें, दोनों कंडीशंस राइट होंगी। और ये कंडीशन है व्हेन लैम्डा इज कांस्टेंट या एक फंक्शन कांस्टेंट हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीज़न सभी के लिए। किस तरह से जब हम लिमिट फाइंड करें किसी भी फंक्शन का एडिशन करने के बाद, या फिर अलग अलग लिमिट फाइंड करके हम एडिशन करें, हमें वो वैल्यूज़ इक्वल मिलेंगे। ओके, तो ये आप लिमिट्स की प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब उसके बाद लिमिट हम सॉल्व किस तरह से करेंगे ये भी हम स्टडी करेंगे। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए कौन से मेथड्स हम यूज़ करेंगे, किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उसके लिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर, अगर किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर का फॉर्म नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म नहीं है, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो उस कंडीशन पर जो लिमिट हमें गिवन होगा डायरेक्ट हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए। तो लिमिट फाइंड करने का फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। अगर डिनोमिनेटर 1 है तो उस कंडीशन पर, जैसे कोई भी एक फंक्शन है, ये हमें गिवन है x माइनस 2 और इसमें लिमिट है x टेंस टू 3। अब इस कंडीशन पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है, तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होगी तो इस कंडीशन पर जो भी यहाँ पर हमें लिमिट गिवन होगा x की, उस वैल्यू को डायरेक्टली हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे और इसकी लिमिट फंक्शन की फाइंड कर लेंगे। तो फंक्शन का लिमिट हमें मिल जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज़ 1। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसे याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर 1 होगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू हम पुट करेंगे। सेकेंड मेथड है व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 नहीं है, उस कंडीशन पर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें, हमारा एम ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को 1 कर सकते हैं। अगर हम उसकी वैल्यू 1 कर सकते हैं तब हम यही करेंगे। और उसके बाद सिंपल, अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा तो हम इस मेथड का यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस कंडीशन पर हमें लिमिट गिवन है x टेंस टू 1। अब अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो ये
इनडिफाइंड फॉर्म, नॉट डिफाइंड फॉर्म हमें मिल जाएगा। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को वन बनाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे रिड्यूस करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यहाँ से x माइनस वन का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमें मिल जाएगा x टेंस टू वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर वन हो गया। अब हम डायरेक्टली वन को यहाँ पुट करेंगे और फंक्शन की लिमिट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे और इसमें हमारा मेन एम ये है कि हमें इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को वन करनी है, चाहे हम किसी भी तरह से कैंसिल करके उसे वन करें। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का लिमिट गिवन है, सपोज़ यहाँ हमें गिवन है x टेंस टू a, पर ये जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में नहीं है, हमें यहाँ पर लिमिट x की दी हुई है, पर ये फंक्शन है सपोज़ ये xc का फंक्शन है। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमें लिमिट x की पुट करनी है, तो इस कंडीशन पर जो भी इस फंक्शन की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें इस फंक्शन का लिमिट भी मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें इसकी वैल्यू केवल c गिवन है तो अब हमें इसका रिज़ल्ट भी c ही मिलेगा, ये भी आप याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर कोई अलग टाइप का फंक्शन है तो उस कंडीशन पर हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखते हैं, और उसके लिए उसका प्रूफ देखते हैं। अगर हमें फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a की x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इस कंडीशन पर यहाँ पर देखिए कि जो न्यूमरेटर में फॉर्म गिवन है वो x की पावर n माइनस a की पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें वही फंक्शन मिलना चाहिए, पर कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में इसका पावर हमें वन मिल रहा है। तो इस तरह का जब फंक्शन होगा और हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है n a की पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे बार बार। अगर इस टाइप के हमें फंक्शन मिलेंगे तो लंबा कैलकुलेशन ना करके इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डायरेक्टली इसे फाइंड कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला उसके लिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म ले लेते हैं, x की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तब ये हमें मिल जाएगा फंक्शन लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू पुट कर दी तब h के फॉर्म पे, मतलब हमें ये लिमिट भी x से हटकर h के फॉर्म पे मिल जाएगा। जब x की वैल्यू a है तो h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जीरो। जब x की वैल्यू x टेंस टू a है उस कंडीशन पर अगर हम h के लिए देखें तब हमें लिमिट मिल जाएगा h टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि जब भी इस तरह का हम जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसके प्लेस पे कोई दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी लेते हैं तो जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट को भी हमें उस वेरिएबल क्वांटिटी के फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की प्लेस पे a प्लस h ले लिया, तो x की वैल्यू जब a थी तो उस कंडीशन पर x प्लस a प्लस h की वैल्यू हमें मिल जाएगी ज़ीरो, इसीलिए हमने यहाँ पर h की लिमिट को ज़ीरो लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम पुट करते हैं a प्लस h होल पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a, ये फंक्शन हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में a का टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर का h को हम 1 अपॉन h लिख लेते हैं, और यहाँ से हम a की पावर n को कॉमन लेते हैं, a की पावर n कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस h अपॉन a होल पावर n माइनस a की पावर n, ये हमें फंक्शन इस तरह से मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से अगेन हम a की पावर n को कॉमन ले सकते हैं, तो a की पावर n को कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a की पावर n अपॉन h
तो ये हमें मिल रहा है 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन माइनस 1। अब ये जो फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रहा है 1 प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन, ये एक बाइनोमियल फॉर्म है, तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके एक्सपांड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, वो आप याद रखिएगा। तो इसे जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए की पावर एन अपॉन एच, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल 1 एच अपॉन ए प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस माइनस 1। ये वाला माइनस 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद ये टर्म्स हमें मिल गए, यहाँ से प्लस 1 और ये वाला टर्म माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद हम ये जो बाहर में a की पावर n अपॉन h है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो a की पावर n अपॉन h इंटू एन एच अपॉन a, यहाँ से h का टर्म कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए की पावर एन 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 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन ए होल स्क्वायर, और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमें एच मिल जाएगा और इसी तरह से हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर लिमिट है h की वैल्यू 0, h टेंस टू 0, उस लिमिट को हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वहाँ से h कैंसिल हो चुका है, तो फर्स्ट टर्म हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, और फर्स्ट टर्म हमें मिल रहा है a की पावर n इंटू एन अपॉन a, और सेकेंड टर्म में h है यहाँ पर, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स हमें 0 मिल जाएंगे, क्योंकि आगे के जो भी टर्म्स मिलेंगे सभी में h का फॉर्म हमें मिलेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। मतलब जिसके लिए हमने इसे कंसीडर किया था लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये वैल्यू हमें मिल रही है n a की पावर n, और डिवीज़न में a है, इसका पावर 1 है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1। यही फॉर्म हमें मिल रहा है, इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलेगा, सारे क्वेश्चन में इतना लंबा मेथड ना करते हुए हम सिंपल इस फॉर्म को यूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। इसे देखकर हमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसे हम इस फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म यहाँ पर होता है उसी का हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिसमें x की पावर 1 हो, तो इसलिए x माइनस 1 चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1, और ये टर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो ये उस फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम जो ये टर्म मिल रहा है ये भी सेम फॉर्म पे मिल रहा है a की पावर n, क्योंकि हम इसे भी 1 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो ये भी एक सेकेंड उसी के फॉर्म पे मिल रहा है, तो इसे भी हम उस फॉर्म पे ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में स्टडी किया है कि जब इस तरह का होल डिवीज़न होता है और उसका हम लिमिट फाइंड करते हैं तो वो हमें इक्वल मिलता है इनके इंडिविजुअल लिमिट के, तो हम उसे उस फॉर्म पे लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फॉर्म हमें मिल गया। अब ये हमें टोटली इस फॉर्म पे मिल गया
जो हमने अभी फॉर्मूला स्टडी किया। यहाँ पर ए की प्लेस पे ए है, एन की प्लेस पे 15 है, यहाँ पर ए की प्लेस पे 1 है और एन की प्लेस पे 10 है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट में हमें फॉर्मूला मिला है एन ए की पावर एन माइनस 1, एन की प्लेस पे इस टर्म में 15 है तो ये हमें मिल जाएगा 15, और एन की प्लेस पे सॉरी ए की प्लेस पे हमें 1 मिल रहा है तो ये हमें मिल जाएगा 1 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में एन की प्लेस पे 10 है तो ये हमें मिल जाएगा 10, 1 की पावर 10 माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे तो ये 1 की पावर कुछ भी हम ले 1 ही मिलता है तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 15 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 10, मतलब ये टर्म हमें मिल गया 15 बाई 10 या हम कहें 3/2 अगर हम इसे 5 से कैंसिल करें तो ये वैल्यू हमें इस फंक्शन की मिल गई जो हमें सॉल्व करना था और इस फंक्शन की लिमिट हमें मिल गई 3/2। तो ये हमने देखा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, इसे हम इस फॉर्म पे कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भी आप याद रखिएगा, जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है उसे हमें इस तरह से कहीं भी अप्लाई करना पड़ सकता है, चाहे वो डिवीज़न वाला हो, मल्टीप्लिकेशन वाला हो या एडिशन वाला हो, तो उसे भी हमें याद रखना है और लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने जितने टॉपिक स्टडी किए उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे।